हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं पोस्ट काउंसलिंग डिस्कशन, इंग्लिश बुक गुजरात बोर्ड ग्रेड 11 से। मिस्टर शाह, प्रतीक इज अ स्टूडेंट ऑफ ए बी ग्रुप ऑफ साइंस स्ट्रीम, हेंस ऑल द ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग आर अवेलेबल टू हिम। मिस्टर शाह कहते हैं कि प्रतीक जो है वो ए टू बी ग्रुप जो है साइंस स्ट्रीम का, उसका एक स्टूडेंट है, जिसकी वजह से ज्यादातर सारी ब्रांचेस जो इंजीनियरिंग की है वो उसके लिए अवेलेबल है। He can also choose graduation and post-graduation in the basic science. यहाँ तक कि अगर वो चाहे तो वो ग्रेजुएशन करना चाहे, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे, तो इनमें से कोई सी भी जो बेसिक साइंस है उससे चूज कर सकता है। If we discuss about engineering, he is good at soft skills, so branches like mechanical and electronics are not advisable for him. अब जहाँ तक अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो ये जो है सॉफ्ट स्किल्स में ज्यादा अच्छा है, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस की ना कोशिश करें, मतलब हम इसकी सलाह नहीं देंगे। He has scored 80 marks in chemistry and he likes working on computer, so chemical engineering or software engineering can be better options. अब क्योंकि इसके केमिस्ट्री में 80 मार्क्स आए हैं इस वजह से, और दूसरा इसको कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, इसलिए केमिकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इसकी अच्छी चॉइस रहेगी। But let me remind you that he doesn't like the factory environment, so software seems to be a better option. अब क्योंकि इसे एक फैक्ट्री एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसके लिए सॉफ्टवेयर रहेगा, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। मिस्टर मेहता, बट ही विल गेट एडमिशन इन दोज ब्रांचेस विद सच परसेंटेजेस। तो मिस्टर मेहता पूछते हैं कि क्या उसको इस परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा इन ब्रांचेस में। मिस शाह, डोंट बी सो इम्पेशेंट। मिस्टर मेहता, Your assumption might be right, but we have to consider two more things before we go to the final discussion. इतना impatient मत होइए मिस्टर मेहता। आपका assumption, आपका जो एक mindset है वो हो सकता है सही भी हो, लेकिन हमें अभी दो और चीजों को भी consider करना होगा इससे पहले कि हम final decision लें। Let me reveal his results of the interest inventory and the IQ test that we took. अब सबसे पहले तो मैं आपको उन रिजल्ट्स के बारे में बता दूं, एक जो इंटरेस्ट इन्वेंटरी और जो आईक्यू टेस्ट हमने इसका लिया था। मिस्टर मेहता, नाउ व्हाट डज इट से। तो मिस्टर मेहता कहते हैं, अब उसका वो क्या कह रहे हैं। मिस शाह, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट सर्वे वी हैव फाउंड दैट ही इज गुड इन द फील्ड ऑफ रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो इसका इंटरेस्ट सर्वे हुआ था उसमें हमने पाया कि इसे जो है जो रिसर्च की फील्ड होती है साइंस और टेक्नोलॉजी में, उसमें से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। इन एडिशन आईक्यू इज 130, व्हिच इज फार मोर देन एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू हैव। इसका जो आईक्यू लेवल है वो 130 है, यानी एक इंजीनियर के मुकाबले कहीं ज्यादा है। एक्चुअली हिज आईक्यू मैचेस विद द प्रोफेशन ऑफ अ साइंटिस्ट। व्हाट डू यू से प्रतीक। एक्चुअली इसका ये जो आईक्यू है ये एक साइंटिस्ट के प्रोफेशन से मैच करता है। तुम्हारा क्या कहना है प्रतीक। प्रतीक, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस शाह। आई हैव नेवर रियलाइज्ड व्हाई आई लाइक रीडिंग सो मच अबाउट द साइंटिस्ट एंड द इन्वेंशन सो मच। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड लॉजिक बिहाइंड एवरी प्रिंसिपल। तो प्रतीक कहता है, आप बिल्कुल सही कह रही है मिस शाह, मेरे को कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि क्यों मुझे ये साइंटिस्ट और इन्वेंशन के बारे में पढ़ना इतना पसंद है। मैं हमेशा हर प्रिंसिपल के पीछे एक कारण ढूंढता हूँ, एक लॉजिक ढूंढता हूँ। मिस शाह, यस, एंड बाय चूजिंग सच वर्क यू कैन सर्व द नेशन एंड द सोसाइटी एज वेल। और मिस शाह कहती है कि हाँ, अगर तुम इस तरह के काम को चुनोगे तो तुम उसके बहाने जो नेशन है और सोसाइटी दोनों की सेवा कर सकते हो। मिस्टर मेहता, बट हाउ डू यू कनेक्ट हिज पैशन फॉर रीडिंग डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज एंड हिज वैल्यूज ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। अब मिस्टर मेहता कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक इसको पैशन और भी है कि ये डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ता है, मिस्ट्रीज सॉल्व करता है, इसकी जो वैल्यूज हैं ट्रूथ और जस्टिस को लेके, आप उससे कैसे इसको कनेक्ट करेंगी। मिस शाह, व्हाई नॉट, ही कैन एंजॉय ऑल द थ्रिल्स ऑफ सॉल्विंग ए मिस्ट्री बाय बीइंग अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट। क्यों नहीं, अगर इसको जो है किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में मजा आता है, एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल लगता है, तो ये फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकता है। His reports will be considered valuable in the court, which will bring justice to the innocents. इसकी जो reports होंगी वो काफी मायने रखेंगी court में, और जिसकी वजह से लोगों को या जो innocent है उनको न्याय मिल सकेगा। A forensic science experts need all the logic and the art of troubleshooting, which your son already has. आप एक फॉरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास हर तरीके के कारण होते हैं, किस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना होता है, और ये सब क्वालिटीज आपके लड़के के में हैं। प्रतीक, ओह थैंक यू मिस शाह,
I really feel relieved and happy with just a thought that I will pursue a profession which has incorporated my hobbies, my values, my passion, my abilities and my view of life. तो प्रतीक जो है कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद निशा, क्योंकि मुझे रियल में बहुत अब एक रिलीफ मिला है और मैं बहुत खुश हूँ इस विचार से कि मैं उस प्रोफेशन को कंटिन्यू करूंगा जिससे मेरी सारी हॉबीज, मेरी वैल्यूज, मेरा पैशन, मेरी एबिलिटीज और मेरा जो जीने का तरीका है या जो जीने का नजरिया है लाइफ को देखने का, वो सब उससे जुड़े हुए हैं। I would never be bored with such a work. मुझे कभी ऐसे काम में बोरियत नहीं होगी. In fact, I would enjoy working overtime. बल्कि मुझे अगर कहा जाए कि तुम्हारा काम करने का समय खत्म हो गया है और तुम्हें overtime करना है, तो मुझे उसको भी करने में मजा आएगा. Miss Shah, Mr. Mehta, I have just tried to help you all. Still, the choice is yours. Miss Shah कहती है, Mr. Mehta, मैंने आप लोगों की मदद करने की कोशिश करी है. बाकी चॉइस आपकी है. Mr. Mehta and family, we are grateful to you, Miss Shah. You have done a great job. तो मिस्टर मेहता उनके फैमिली कहते हैं कि नहीं, आपने बहुत बड़ा काम किया है मिशा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है. In fact, we are in the dark about my son's potential. Thank you again. बल्कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो लड़का है उसमें जो पोटेंशियल है, जो काम करने की एबिलिटी है, उसके बारे में हमें अभी तक नॉलेज ही नहीं थी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. प्रतीक, थैंक यू मैडम. प्रतीक भी जो है मिशा को थैंक यू बोलता है. मिशा, ऑल द बेस्ट प्रतीक. और मिशा जो है प्रतीक को एक गुड लक विश करती हैं. तो ये था हमारा चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन. बाय.